हेलो गाइस, आज सुबह से बरसात हो रही थी और इस बरसात के मौसम में तो सभी का मन करता है कि कुछ चटपटा बनाया जाए जो खाने में चटपटा भी हो और कुरकुरा भी, जिससे कि इस ठंडे मौसम में मन पेट तो भर जाए लेकिन मन ना भरे। ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का है। सबसे मज़े की बात, इसे बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी। आलू और ब्रेड से बनने वाले इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने लिए हैं 3 आलू और उन्हें हम बॉईल करने के लिए, मतलब कि धोकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। आपको सुबह नाश्ता बनाना हो तो आलू पहले से आप उबाल कर रख लें। मैंने ये 3 आलू लिए जो कि मीडियम साइज़ के हैं। अब कुकर को छोड़ देंगे सीटी बोलने के लिए, तब तक हम बाकी का काम करेंगे। और लीजिए, ये हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। आलू को हम निकाल लेंगे और जल्दी से इसे छील लेंगे क्योंकि हमें नाश्ता बहुत जल्दी से बनाना है। ये देखिए, 3 आलू थे तो 3 ही ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। ये मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं जो ब्रेड आपको अच्छी लगती है। ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे और इसी साइड हम लेंगे आलू और जल्दी से उन्हें इस तरह से पीस लेंगे। आप कैसे भी इनका पेस्ट बना लें, लेकिन बस इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, यानी आलू के टुकड़े ना रहें। और इधर ब्रेड स्लाइस को हमने किनारों के समेत ही ब्रेड क्रम्ब बनाया था। कचूरा भी हमने इसमें डाल दिया है। इसे चटपटा बनाने के लिए आप सिर्फ अपनी पसंद के कुछ मसाले डाल लें। मैंने लिया है नमक, काला नमक, चाट मसाला या अमचूर पाउडर डालें या फिर नींबू तो होता ही है वो डाल लें, और रेड चिली फ्लेक्स आधी चम्मच छोटी। साथ में हमने लिया आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच धनिया के बीज जिन्हें की दरदरा पीस लें। साथ में 1 छोटी चम्मच ही हमने लिया अदरक का पेस्ट। साथ में 1 हरी मिर्च को टुकड़ों में काटकर बारीक से काट लें। साथ में हमने लिया है ये बहुत सा धनिया जो 3-4 चम्मच के करीब होगा। सभी चीज़ों को एक बोल में हम डाल लेंगे और इसे मिलाएंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को हाथों से मिला लें ताकि नमक सभी तरफ एक जैसा हो जाए। अगर चाहें तो आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने डाल ही दिया। इसे डालकर मिला लेंगे, लेकिन इसे थोड़ा पहले डाल लें। अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच अरारोट। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद पे है। चाहें तो अगर चावल का आटा हो तो वही 2-3 चम्मच डाल लें, नहीं तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या फिर अरारोट, कुछ भी जो आपको मिल जाए वो डाल लें। और हल्का सा एक प्लेटफॉर्म लेंगे और उस पर हल्का सा चावल का आटा डस्ट ले लेंगे, और साथ में लेंगे ये सेसमी सीड्स और ये मिर्ची। अगर चाहें तो आप डाल लें, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है। देखिए, इधर हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया हमारे इस डो को जो हमने अभी तैयार किया था, और अब हम उसे बेलेंगे। इस तरह से हल्की सी चावल का आटा ही लगा लेंगे और इस तरह से इसे बहुत इजीली ये बेल जाता है। बेलन से इसे बेल लेंगे और इसकी मोटाई जो है एक ब्रेड स्लाइस के जितनी रख लें। ज़्यादा पतली भी ना करें और ज़्यादा मोटी भी ना रखें। ऐसा करने से बहुत अच्छे इसके एक स्नैक के पीसेस निकलेंगे और आप देखते रह जाओगे कि आपने ये क्या अच्छी सी चीज़ बना ली। इस तरह से सभी तरफ से इसे बराबर कर लेंगे और देखिए, इसके आप पीसेस निकाल सकते हैं। चाहे तो स्क्वायर में निकाल लें, चाहे आप इसे ब्रेड पकोड़े की शेप दे लें। ये आपकी अपनी पसंद है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इसे ज़रूर से बनाकर देखें। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब मॉर्निंग में आपको जब भी ब्रेकफास्ट रेडी करना हो जल्दी से इसे फ्राई कर लें, नहीं तो मार्केट से जो चीज़ें लेकर आते हैं वो इतनी हेल्दी भी नहीं रहती, और साथ में हम जानते भी नहीं उसमें क्या क्या डाला गया है। इसमें हम अपने घर की बिल्कुल फ्रेश सभी सामान यूज़ करते हैं और ये काफ़ी हाइजीनिक भी रहता है। अब ये देखिए, हल्का सा ऑयल लेंगे क्योंकि इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं ऐसे स्लाइस बहुत इजीली कट जाएंगे और बिल्कुल भी ये तली में चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो तवे पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं।
बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल लें और इसे फ्राई कर लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। इनके साथ आप चाहें तो हरी चटनी या फिर खट्टी मीठी चटनी भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, सभी पीसेस हमारे फ्राई होने को है। इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई करें, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर आप स्लो कर दोगे तो काफ़ी ऑयल पी जाएंगे, और अगर हाई करोगे तो अंदर तक अच्छे से कुरकुरे नहीं होंगे। तो मीडियम रखें, इससे आपके बहुत टेस्टी बनेंगे। एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, अब हमें बाकी के भी स्लाइसेस इसमें फ्राई कर लूँगी। अब बाकी के भी हम डाल देंगे और जल्दी से उन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, और सबसे बड़ी बात, आप नाइट में इसे बनाकर रख सकते हो और सुबह मॉर्निंग में इन्हें हल्का सा फ्राई करके आप ले जा भी सकते हो और नाश्ते में खा भी सकते हो। एक कप चाय के साथ ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, आप ज़रूर से ट्राई करें। बाहर बहुत तेज़ बरसात है और इस टाइम और इस मौसम में ये फ्राइड आइटम बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अब हमने हमारा काम कर दिया, अब आपको आपका काम करना है, यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगी है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन। ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से कितना अच्छा आया है, आप भी बनाकर देखें। बाय।